हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवर रियल एजुकेशन, आपका स्वागत है दोस्तों। तो सबसे पहले आप हम यहाँ देखते हैं, आप देख पा रहे होंगे हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अभी वेबसाइट पर हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है। और यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान दोस्तों बहुत सारे उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। सपोज कहिए कि उसको क्वेश्चन पेपर, पिछले साल क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, उनको कहाँ से मिलेगा, तो इन सब के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के आपको वेबसाइट पर आना है। इसके बाद आप जैसे आएंगे यहाँ पास, ठीक है, तो इसके आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई देगा, ये जो फॉर्म है और डाउनलोड वाला ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पास आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पास कुछ बहुत सारे यहाँ पास नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन से जो भी कंटेंट आपको अगर देखना है परीक्षा से, तो यहाँ एक कैलेंडर देख सकते हैं, उसका एक कैलेंडर है आपको, ठीक है। अब कौन कौन से एग्जाम होने वाला है अभी एनुअल कैलेंडर में, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पास शो कर देगा। तो ये देखिए, वार्षिक परीक्षा के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है, और जिस डेट में दोस्तों उसी डेट में एग्जाम होगा। तो अभी जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं यूपीएससी के जो मेन पेपर है, तो वो कब होने वाला है, तो आप देख सकते हैं सिविल सर्विस का मेन परीक्षा होने वाला है 15 सितंबर 2023 को होने वाला है। लेकिन जो इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है दोस्तों, वो एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा आपका यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, 28 मई 2023 को होगा। तो अगर आपको इसका तैयारी के लिए क्वेश्चन पेपर वगैरह चाहिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है। तो जिस भी ईयर का क्वेश्चन पेपर या जिस भी विषय का आपको चाहिए, ठीक है, तो जैसे कि कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का है, तो आपको सिविल सर्विस वाला चाहिए, तो आप नीचे आएंगे, ठीक है, और आएंगे नीचे तो ये देखिए, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का है, तो और नीचे आएंगे तो आपको दिखाई दे देगा सिविल सर्विस एग्ज़ाम, ठीक है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है 2022 का। तो सबसे पहले कंपलसरी जो पेपर होता है दोस्तों, उसको देख सकते हैं कि किस तरह से आता है। सपोज करिए कि हिंदी का, हिंदी जो कंपलसरी पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश, तो उसको देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। ये सिविल सर्विस 2022 का क्वेश्चन है, तो एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके समान अंकित हैं, उत्तर हिंदी में ही लिखे जाएंगे, यदि किसी विशेष प्रश्न पत्र निर्देश हो तो अलग बात है। तो इसमें जो समय होता है दोस्तों, सिविल सर्विस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने के बाद जो मेन्स एग्ज़ाम होता है, ये उसका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर दे सकते हैं कि आप यहाँ पर दे सकते हैं, अधिकतम 300 नंबर का होता है सिविल सर्विस का मेन्स एग्ज़ाम, ठीक है, जिसमें अनिवार्य हिंदी इंग्लिश होता है। तो मैं अभी हिंदी की दिखा रहा हूँ। तो कंपलसरी पेपर होता है, इसमें कोई बेसिक चीज़ है, देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर इसमें टॉपिक लिखना पड़ता है, 600 शब्द पर लिखना रहता है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा दिया गया दोस्तों, संभावना और चुनौतियाँ, संचार क्रांति के महत्व, खेलों का बढ़ता व्यवसायीकरण, खान पान का स्वास्थ्य पर प्रभाव, ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिखाया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को गद्यांशपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी स्पष्ट, सही और संक्षिप्त भाषा में लिखें। ये 12 नंबर का है दोस्तों, ठीक है। अब यह बात देख सकते हैं, ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का है पर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको बोल सकते हैं कि 60 नंबर के हैं, ये 60 नंबर के ही है, ठीक है। इसके साथ साथ तीसरा नंबर देखिए दे सकते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेद का संक्षेपण लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए, इसका शीर्षक लिखने की आवश्यकता नहीं है, संक्षेपण अपने शब्दों में ही लिखना है, ठीक है। 60 नंबर का है, जान सकते हैं इसमें 5 ही क्वेश्चन होगा, अच्छा 5 क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको 445 शब्द में आपको लिखना है। और चौथा का दे सकते हैं इसी तरह है, आपको पाँचवा का दे सकता है और छठवा का देखना है, ठीक है। तो किस चीज़ तरह का नंबर इसमें होता है, कुछ इस तरह का प्रश्न आता है हिंदी में, ओके। और इसके बाद आपको इंग्लिश करना है, तो इंग्लिश में दे सकते हैं, क्योंकि उस तरह से इंग्लिश का बेसिक चीज़ आता है, ये इंग्लिश का है दोस्तों, दे सकते हैं, ये इंग्लिश का कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दे सकते हैं, राइट एन एसे लिखना है, 600 वर्ड्स में लिखना है, किसी एक टॉपिक पर लिखना है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, मैथमेटिक्स के बारे में बताया गया है, इब्रेड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, रीड केयरफुली पैसेज, बस वही पैसेज लिखना है, 35 नंबर के हैं, 5 क्वेश्चन दिया गया, 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है।
यहाँ देख सकते हैं इसको लिखना है। तो क्वेश्चन आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब जब इस पैसेज को पढ़ेंगे, अनसीन पैसेज है समझ लो, इसके बाद यहाँ पर जो मिसिंग वर्ड्स है दोस्तों उसको फिलअप करना है। ये 5 नंबर के हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इसी पैटर्न में सिविल सर्विस का मेन एग्ज़ाम होता है, तो इसीलिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख पाएंगे, आप अगर अच्छे से इसको तैयारी करना करके इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी आप इसके लिए यहाँ पास क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग का देख सकते हैं जो ऑप्शनल पेपर होता है, जिसको मैथ लेना है या फिर बायो लेना है, बॉटनी लेना है, या फिर जिस किसी को हिस्ट्री लेना है, तो उसका पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि पिछले साल का पेपर को दिखा देता हूँ किसी एक विषय का, तो सपोज मैं यहाँ दिखा देता हूँ किसी इम्पोर्टेंट विषय का, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं दिखाता हूँ यहाँ पर जियोग्राफी का, ठीक है। ये है आपका जियोग्राफी का पहला पेपर, तो जियोग्राफी में आप पहला पेपर देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह का होता है। ये भी 250 नंबर का होता है, ठीक है। जो ये ऑप्शनल पेपर होता है दोस्तों, ऑप्शनल पेपर जो होता है टोटल 500 नंबर का होता है, 250 का दो पेपर होता है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे। जो खंड ए है वो दिखा दे रहा है निम्न में से प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्द लिखिए, तो इसमें अब खंड ए से लिखना है, ठीक है। इसमें दिखा गया है कि 5 क्वेश्चन है, 10 नंबर का है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से है। तो इसका एक बार क्वेश्चन को आप जरूर देखिए, बीट करिए, ठीक है। ये सेक्शन 5 से भी लिखना है, और यहाँ देख सकते हैं आप लोग यहाँ तक, ठीक है। लेकिन ऑप्शन पेपर में होता क्या है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न पत्र इसमें 8 प्रश्न है, 2 खंड में विभाजित है, तथा हिंदी अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं। उम्मीदवार को जो कैंडिडेट है उसको कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 अनिवार्य है, तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न चुनकर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य है, प्रश्न संख्या 1 और 5 क्या है, अनिवार्य है, 1 और 5 क्या है, अनिवार्य है। मतलब 1 और 5 कौन कौन सा हो गया, एक पहला 1 हो गया, इसके बाद आपका दिखा देता हूँ यहाँ पास 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 क्या हो गया, अनिवार्य हो गया, ठीक है। इसके बाद 5 के बाद और खंड, आप दूसरे खंड से आप 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन करने के बाद ऑप्शन में होता है दोस्तों, तो जब पेपर को पढ़िएगा तो आपको खुद ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का होता है ऑप्शन पेपर। और इसके बाद आपका जो जीएस का पेपर होता है, जीएस में दोस्तों क्या होता है, GS1, GS2, GS3, GS4 होता है, इसके बाद जनरल का पेपर होता है, ठीक है, जो AC होता है, और पहला पेपर AC ही होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ AC कुछ इस तरह के AC आता है लिखने के लिए, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते हैं अगर मेंस का, तो ये भी 250 नंबर का होता है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें से आपको पुरुष पत्र में माध्यम में निबंध लिखना अवश्य है। अब जिस भी माध्यम से अगर एग्जाम फॉर्म को भरें दोस्तों, तो उसी से आपको लिखना है, ठीक है। उसका क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किस तरह का आता है, 250 दोस्त। इसमें आपको देखिए दोस्तों, किस खंड ए और बी में से प्रत्येक से एक एक विषय पर 2 निबंध लिखने होते हैं, ठीक है। कई निबंध 2 निबंध होते हैं, और जो एक निबंध होता है दोस्तों 125 नंबर का होता है, कितने नंबर का होता है, 125 नंबर का होता है। तो आप किसमें सेक्शन दे रहता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो दोनों में सेक्शन में से किसी एक क्वेश्चन को हल करना रहता है, ठीक है। तो स्पष्ट करिए, कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं, ठीक है, या फिर दे सकते हैं जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता ही नहीं। तो इस बारे में आप दे सकते हैं, लिखना है सेक्शन ए से कोई भी एक क्वेश्चन कर लीजिए, आप इसमें से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से एक हो गया, तो इसके बाद सेक्शन ए हो गया, तो आप सेक्शन बी से कोई एक उठा सकते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा कठिन देखने को नहीं मिलता है, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो ज़रूर आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। तो मैं आपको यही दिखा रहा था
तो इस क्वेश्चन पेपर के एकदम क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा और अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा बनेगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही आपको एग्जाम तक ले जाने के लिए पर्याप्त है। अगर क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे आप लोग, ठीक है, सिलेबस देख के डर जाएंगे, तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप देखिए, डाउनलोड कीजिए, ठीक है, तो ही आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और मोटिवेशन बना रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या क्या दिखाया, जीएस पेपर दिखा दिया, जीएस पेपर में 1, 2, 3, 4, तो अभी तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, इसके लिए प्रीलिम्स भी एग्जाम होता है, तो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी आप यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो सिविल सर्विस मेन एग्जाम दिखाया ना, तो प्रीलिम्स के भी इसका क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देता हूँ, यहीं पास है। तो सबसे पहले ये प्रीलिम्स लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, यहीं पास देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर आपको दिया है ना, तो यहाँ पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप आराम से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहीं पर दिखा देता हूँ आपको, ये प्रीलिम्स एग्जाम दिखाई दे रहा है, यहाँ पास प्रीलिम्स है, यहाँ पर फॉरेस्ट्री एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, इसके बाद आप ऐसे क्लिक करते रहिए, आपको दिखाई दे देगा। मैं यहाँ से आगे बढ़ जा रहा हूँ, मेरे पास कभी नहीं दिखा रहा सामने, तो पेज नंबर 2 में चला गया, पेज नंबर 2 में मैं गया यहाँ पास, तो यहाँ पास तो दिखा ही रहा है सिविल सर्विस मेंस एग्जाम। हाँ दोस्तों, यहाँ देखिए सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2022, तो यहाँ देखिए पेपर 1 होता है और पेपर 2, तो पेपर 1 अभी मैं दिखा दिया और पेपर 2 आपको यहाँ पर डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका पेपर 1 डाउनलोड हो रहा है आपका, ये पेपर 1 आ गया है सिविल सर्विस का पेपर 1, ठीक है। इसमें पेपर 1 में देखिए दोस्तों, प्रीलिम्स का आप दे सकते हैं यहाँ पास, इसमें कुछ ये सेट रहता है कि पेपर किस तरह का सेट रहता है, यहाँ जिस तरह का सेट रहता है, ठीक है। इसमें टेस्ट सीरीज होता है, आप कर सकते हैं अलग से किसी कोचिंग संस्था के थ्रू। तो इसमें मैं दिखा देता हूँ, ये सिविल सर्विस का मेन एग्जाम का जो है उससे पहले जो प्रीलिम्स पेपर होता है उसका पेपर है, ठीक है। और इस प्रीलिम्स का जो पेपर होता है ये कितने नंबर का होता है, इसे 200 नंबर का होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसमें से लगभग इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। ये देखिए आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ से, तो कुछ इस तरह का होता है पेपर, जब क्वेश्चन पेपर का आप देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका दोस्तों लिंक दे रहा हूँ, आप यहाँ से करके डाउनलोड कर सकते हैं और जान सकते हैं, ओके। तो कुछ रहा रिसोर्सेस रहा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए UPSC का। अगर आप हमसे और जुड़े रहना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आपको कुछ इस तरह से कुछ हेल्प कर पाएँ, तो बने रहिए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।